खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। लॉकडाउन 4.0 को लेकर जारी गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े नियम को आसान बना दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस ऐप को डाउनलोड करने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए इसे वैकल्पिक बना दिया है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में ऐप के फायदों पर खास जोर दिया है। केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये ऐप कोरोना वायरस से संभावित जोखिम का पहले से पता लगाने में मदद करता है। यह ऐप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों और समाज के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आरोग्य सेतु ऐप संक्रमण की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। सरकार ने गाइडलाइन में कहा कि कार्यालयों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डलवाना सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। जबकि इससे पहले 1 मई को जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बताया था। सरकार ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करने का परामर्श दे सकता है। दिशा निर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी व्यक्ति को ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए परामर्श दे सकता है। साथ ही नियमित आधार पर उसके स्वास्थ्य की निगरानी रख सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म किया गया है। शरद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। शरद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका जनतंत्र टीवी पर। आरोग्य सेतु ऐप, जिसे सुरक्षा कवच माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, पहले वो अनिवार्य था लेकिन अब इसकी जो अनिवार्यता है उसे खत्म किया गया है। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि क्या वजह आपको इसके पीछे की नजर आ रही है? मुझे लगता है कि आरोग्य सेतु ऐप में कुछ कमियां थी जो एक साइबर हैकर ने भी उजागर की थी, और उसके बाद सरकार को लगा होगा कि ये कमियां होने की वजह से जो यूजर्स हैं उसका डेटा हैक हो सकता है और उस हैक के कारण हमारी प्राइवेसी पर खतरा हो सकता है। तो और ये भी लगता है कि सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए अभी उसको अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया है कि इसको अनिवार्य किया जाए। दूसरा एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे यूजर्स हैं इंडिया में जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो ऐसे दशा में हम सभी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो उस ऐप का यूज करें। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आप देखो स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत कम है और जो मजदूर जा रहे हैं उनका उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। कि दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इस ऐप में कुछ कमियां रही हैं जो कि आई थिंक सरकार ठीक कर रही होगी और इसीलिए इसको अभी बाध्य नहीं किया गया होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब से आरोग्य सेतु ऐप को ऐप आया उसके बाद इसमें कहा गया कि ये कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है सभी लोग, बीच में तो इसको अनिवार्य भी कर दिया गया था 3.0 में हमने देखा था शरद जी, लेकिन इसकी जो प्राइवेसी है उसको लेकर सवाल उठे। कहा गया कि जो डेटा है वो चोरी हो सकता है, एक साइबर हैकर जो हैं हमारे देश से बाहर के, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि इस तरीके के जो ऐप्स हैं जिनमें लोगों की जानकारियां साझा हो रही हैं वो सार्वजनिक हो सकती हैं, वो चोरी हो सकती हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया था और इस पर सियासत भी खूब हुई थी। तो कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, आप बखूबी जानते हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि पूरी तरीके से सुरक्षित है आरोग्य सेतु ऐप, जैसा कि सरकार ये दावा कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि ये ऐप पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि अब तक भारत में ऐसा कोई प्राइवेसी लॉ नहीं है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित है जी। तो आपका जो डेटा है वो सुरक्षित नहीं है तो उस दशा में कोई भी व्यक्ति आपके डेटा को किसी भी तरह से मिसयूज कर सकता है। और सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की होती है, तो अगर सरकार ये कहती है कि वो डेटा सरकार के पास रहेगा तो सरकार का भी अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो डेटा सरकार उसको मिसयूज करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आने वाली इलेक्शन के दौरान जो डेटा आपकी प्राइवेसी से जुड़ा है वो डेटा कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो डेटा अगर कोई हैकर है, जैसे कि इसमें एक चीज होती है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन रहता है जी। तो आपका जब ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो आपके जो नियरेस्ट फोन यूजर्स होंगे उनका ब्लूटूथ भी ऑन रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि ब्लूटूथ ऑन होने से आपका जो डेटा है वो दूसरे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं या फिर आपके डेटा पर सेल लगा सकते हैं। तो जिसके कारण आपका जो डेटा होगा वो अगर हैक होगा तो उस दिशा में कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? या तो सरकार ही जिम्मेदारी ले कि अगर आपका डेटा हैक होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ।
तभी हम ये इसको सुरक्षित मान सकते हैं। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने ये भरोसा दिलाया कि ये सुरक्षित है, इस पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है, ये हमें तमाम तरीके की जानकारियां देता है, अपडेट्स देता है, उसके अलावा हमें अलर्ट भी करता है संक्रमण को लेकर। लेकिन जिस तरह से सरकार शरद जी दावा कर रही है कि डेटा सुरक्षित रहेगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी से डाउनलोड कर चुके हैं, ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये कैसे मान लिया जाएगा, लोग कैसे समझेंगे कि हमारा जो डेटा है सरकार कह रही है सुरक्षित है, वाकई वो सुरक्षित रहेगा, वो लीक नहीं होगा? हाँ, तो उसी पर एक पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह है सभी के दिमाग में, क्योंकि सरकार कह रही है सुरक्षित है, लेकिन उसके अगले दिन ही अगर कोई साइबर हैकर उस पर अटैक करके बता देता है कि आपका डेटा मेरे पास आ चुका है या आपका डेटा को मैं हैक कर सकता हूँ, तो सरकार ये इस दावे को कैसे हम मान सकते हैं कि ये जो डेटा है वो सुरक्षित है? क्योंकि जब दूसरा कंट्री का जो हैकर है वो आपके डेटा को हैक कर रहा है और आपको बार बार चेतावनी दे रहा है ट्विटर पर, तो वो तो एक उसकी आप समझिए कि उसकी एक भरी मानसिकता है कि वो आपको चेतावनी दे रहा है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे हैकर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो आपको बिना चेतावनी दिए आपके डेटा को हैक कर लेंगे और बाद में उसको मिसयूज भी करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले भी ये किस्से होते रहे हैं, आधार कार्ड के केस में आप देख लीजिए, तो वहां पर भी डेटा हैक हुआ है, SBI के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक हुआ है, और इससे पहले बहुत सारे डेटा हैक्स हुए हैं, और ना केवल इंडिया के डेटा हैक हुए हैं बल्कि याहू कंपनी तक के डेटा हैक हो चुके हैं। तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मान सकते। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपने वक्त दिया, शुक्रिया।